मछलियों का पालन कम जबकि उनकी खपत व शिकार से लगातार उनकी कमी होती जा रही है। मछलियों का पालन कम जबकि उनकी खपत व शिकार से नदियों में मछलियां प्रतिदिन कम होती है, जबकि नदियों में विदेशी मछलियों की प्रजाति लगातार बढ़ रही है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू कर देश की नदियों में देसी प्रजाति की मछलियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और मत्स्य योजना के तहत उनकी बीट को तैयार कर नदियों में छोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत मत्स्य पालन विभाग के द्वारा कालपी के किले घाट पर एक कार्यक्रम कल आयोजित किया गया था, जिसमें बतौर अतिथि पधारे पूर्व सांसद व जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी जालौन तथा मुख्य विकास अधिकारी के साथ कई नेतागण व अधिकारी मौजूद रहे। यहां सभी ने एक एक करके लाखों देसी प्रजाति की तकरीबन 2.5 लाख मछलियों को यमुना नदी में छोड़ा है। घनश्याम अनुरागी ने कहा कि हमारी देसी मछलियों की प्रजाति नैन, कतला, रूह आदि हैं, जो खासकर बुंदेलखंड में बहुत पसंद की जाती है। देसी प्रजाति की मछलियों को विकसित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस योजना से लोगों को रोजगार भी मिलेगा और मछली प्रेमियों का स्वाद भी देसी होगा। मत्स्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस समय हमारी नदियों में जिलाबिया, जो अफ्रीकन प्रजाति की मछली है, तो वहीं एक चाइनीज मछली भी है जिसकी संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि देसी मछलियों की प्रजाति ककड़ा, रोहू मछली को हैज कराकर इसमें डाला जा रहा है ताकि उनके अंडे और बच्चे बढ़े। और जो 80% विदेशी मछली की प्रजाति बाजार में है, जिससे उसके स्थान पर देसी मछली को भी बढ़ावा मिले। एक कार्यक्रम में और जो कार्यक्रम आपके नेतृत्व में हुआ है, कार्यक्रम को लेकर क्या बताएंगे सर आज? देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत हमारी जो बुंदेलखंड की, खासतौर से हमारी जो देसी मछली, जिसको बुंदेलखंड की मछली नैन, कतला, रोहू, इसकी कमी होने के कम गई है नदियों से। तो जो हमारी यहाँ नदियाँ हैं, इनसे चाइना हैं, पुराने जो विदेशी वैरायटी की मछली बढ़ती जा रही है और हमारी जो यहाँ के लोगों के मुँह में स्वाद में है वो मछली धीरे धीरे घटती चली जा रही है। सरकार की मंशा है कि वो मछली पुनः वापस आ जाए, तो उसको हैचरी से उनको करा करके, ब्रीडिंग करा करके इनमें आज डाली गई है। यहाँ 2 लाख से ज़्यादा बच्चे आज डाले गए हैं और वो नैन, कतला और रोहू के बच्चे हैं, जिससे ये उसमें यमुना में पड़ेंगे और ये धीरे धीरे इसकी वृद्धि होगी, जिससे कि यहाँ के लोग इस मछली को ज़्यादा पसंद करते हैं बुंदेलखंड की, क्योंकि यहाँ तो इसलिए डाला गया। ये अच्छी योजना है, इससे हमारे इससे दो फायदे हैं, मछली के साथ साथ इससे उत्पादन भी बढ़ेगा और दूसरी बात, जो हमारे किसान हैं, इसके निषाद समाज के लोग हैं, उनको बिजनेस भी, व्यवसाय भी मिलेगा, बिजनेस भी मिलेगा। पकड़ मछली जब अधिक बढ़ेगी तो अधिक लोग इसमें पकड़ेंगे और जाके बेचेंगे। सरकार ने ये व्यवस्था कर दी है साइकिल की, मोटरसाइकिल की, जिसके पास साइकिल से बेचना चाहे तो उसको साइकिल अनुदान है, मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल का अनुदान है। तो हमारी मंशा है सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रत्येक दशा में हम प्रत्येक कमजोर से कमजोर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को बढ़ाएं और उसको अपने पैरों खड़ा करें, उसको खुद बिजनेस कराएं और सरकार इस पर आपको, आप उस व्यक्ति के, किसान के साथ है, गरीब के, कमजोर के साथ है। कालपी से सोनू महाराज के साथ मनोज पांडे की रिपोर्ट।